आज हम शुरू करने वाले हैं आपके लिए जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो 10th क्लास के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको आज इमेज फॉर्मेशन बताने वाले हैं किसके थ्रू, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, कि अगर हम ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। आज हम इसके लिए डिस्कस करेंगे, आपका साइज का डिस्कस करेंगे, पोजीशंस का डिस्कस करेंगे और जो भी आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है उसकी नेचर को लेकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास के लिए है, जो कि क्या है, आपके चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट पोजीशन के लिए बताते हैं, जो कि क्या है आपकी, कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, वैन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, इसके लिए इमेज फॉर्मेशन करते हैं। मेक योर कॉन्वेक्स लेंस, ओके, नाउ ड्रॉ योर प्रिंसिपल एक्सिस। Here, from the diameter of your lens, okay, and optical center, yeah. ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कहा, देखो इन इमेजेस को फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर केवल दो ही रे लेने वाले हैं। वैसे जो लाइट रे का आता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, जो लाइट्स आता है वो कैसे आता है, वो एक बीम की फॉर्म में आता है, बट यहाँ पर कि इमेज फॉर्मेशन में हम केवल दो रेज लेने वाले हैं, जिससे कि आपको डायग्राम जो हो जाए, जो भी आप डायग्राम बना रहे हैं ये हमारे लिए ईजी रहे बनाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट रे हम ऑलवेज पहले तो करते हैं यहाँ पर इसको, कि ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स एंड वाई, ओके, सेम डिस्टेंस पर यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से हियर, ये डिस्टेंस हम क्या, एफ। ठीक है, और यहाँ पर हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर जो होता है वो 2f होता है, जो आपके मिरर में आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहाँ तक का डिस्टेंस होता है, आपके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, सी से एफ तक, पी तक का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम सेम डिस्टेंस यहाँ पर जो है 2f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में भी है, यानी फोकल लेंथ जो आपकी होती है एफ से 2f जो होता है आपके जस्ट डबल डिस्टेंस पर होता है। जितना डिस्टेंस हमारा यहाँ ओ एफ के बीच में होता है, इतना ही डिस्टेंस हमारा एफ और 2f के बीच में होता है, राइट। तो यही यहाँ पर, हियर इज द एफ डैश 2f डैश, हियर इज द एफ एंड दिस वन पोर्शन 2f, ओके। नाउ वी आर टेकिंग लाइट रे, विच वन, पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को लाई करते हैं, हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं अपना, वी आर, अब ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन ओ एंड एफ, ठीक है, हियर ओ एफ के बीच में रख देते हैं हम अपना स्मीर, और सही करने के लिए इसको थोड़ा सा हम अपने डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, एफ को हियर मूव कर देते हैं यहाँ पर, ये एफ एंड दिस वन 2f, एक्स एंड वाई। अब हमने दो रेज हमने इसमें से लेना है, कौन कौन सा आपसे बताया था, कि एक लेते हैं हम जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, टॉप से हमने दोनों रेज ले लिया, ये हमारा हो गया यहाँ से जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस का क्या हो गया है, पैरेलल है आपके, ये ए, हियर इज द बी, ठीक है, ये इसके डी पॉइंट पर स्ट्राइक होगी, देन अकॉर्डिंग टू रूल कहाँ से पास होगा, ये रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होने के बाद में कहाँ से पास होगा, ये फोकस से पास होगा, ओके। सेकेंड रे हम यहाँ से ले रहे हैं आपके, जो क्या जा रहा है, डायरेक्टली आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ठीक है, ये आपके ऑप्टिकल सेंटर से क्या हुआ, पास हो गया, और आपको पता है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो अपना स्ट्रेट पाथ से पास हो जाती है, स्ट्रेट से। अब यहाँ पर जब इसको देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, ये डाइवर्जिंग रेज है, ठीक है, ये आइस को जैसे दिखाई देंगी, दिस वन हियर इज द सी, हियर इज द ई, ये आई है आपकी, ठीक है, ये यहाँ पर इसको कैसे दिखाई देनी है,
ये जब इसमें जा रही हैं तो ये कैसी हो रही हैं, डाइवर्जिंग हो रही हैं आपके लिए। बट अब ये डाइवर्ज हो रही है तो इट मीन्स रियलिटी में तो ये मीट नहीं करेंगी। बट जब हम इन्हीं रेज को क्या कर रहे हैं, दोनों की दोनों रेज को हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है इनको हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, हियर। राइट, ऑल्सो दिस वन, राइट, दोनों आपकी जो रिफ्रैक्टेड रेज है आप इनको पीछे की तरफ मीट करो, ठीक है। तो ये इस पोजीशन पर जाकर आपकी क्या हो जाएंगी, मीट हो जाएगी, यहाँ पर इस पोजीशन पर जाकर ये मीट होगी। और यहीं पर आपकी क्या होगी, ये ए का जो इमेज है क्योंकि टॉप से लिया हुआ है, ये यहाँ पर आपका जो ए है उसका इमेज बनेगा। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए, इस इमेज को कंप्लीट करने के लिए, और ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर आपकी हमने दो रेज ली हैं, कौन सा रेज लिया है, एक आपका क्या लिया है ए डी लिया है और एक आपका ए ओ लिया है, राइट। ए डी जो होगी रिफ्रैक्ट होने के बाद डीसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, राइट, और आपकी जो ए ओ है ये आपके ओ ई डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, राइट, डाइवर्ज हैं। बट जब हम क्या करेंगे, इन्हीं लाइट रेज को पीछे की तरफ हम एक्सटेंड करते हैं तो ये इस पोजिशन पर जाकर क्या होती है, दोनों रेज मीट होती है और वहीं पर ही आपका क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि आपको फिगर से दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इसकी नेचर की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है लेंस के, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगी, ये आपकी इमेज क्या है कि ये भी है कि आपकी जो लाइट रेज हैं वो ओरिजिनली मीट नहीं कर रही हैं, क्या हो रहा है, वो अपीयर हो रही हैं ऐसा। तो यहाँ पर जब हमारी इस तरह से ओरिजिनली लाइट मीट नहीं करती है तो उस तरीके की जो इमेज होती है वो क्या होती है, आपकी नेचर हो जाएगी यहाँ पर आपकी वर्चुअल, राइट। और वर्चुअल के साथ आपको पता होता है कि इरेक्ट जरूर है, ये पेयर मान के चलिए, वर्चुअल इरेक्ट रियल इन्वर्टेड, तो जो इमेज वर्चुअल होगा वो इरेक्ट भी जरूर होगा, वर्चुअल इरेक्ट हो गया, ये इसका नेचर हो गया है। सेकंड हमने साइज़ की बात की थी, तो देखिए यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो ए बी से का है और इधर है ए डैश बी डैश, दोनों को कंपेयर कीजिए आप तो आपका जो ऑब्जेक्ट इमेज का साइज़ है वो कैसा है, एनलार्ज है, ठीक है, एनलार्ज, ठीक है, बन रहा है। एंड आपकी पोजीशन जो है, थर्ड वन आपकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, ये आपके लेंस के लेफ्ट साइड है, यू कैन ऑल्सो साइड क्या बोल सकते हो, बियॉन्ड बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, यानी जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है उससे बियॉन्ड ये फॉर्म होगी, राइट। तो ये आपकी पोजीशन कब, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा हो, जब आपका ऑब्जेक्ट आपके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है, राइट। तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, ठीक है, एनलार्ज होता है, और आपका क्या होता है, एनलार्ज होता है, दूसरा आपका है बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। ये सिचुएशन हुई है यहाँ पर, इट मीन्स देखो इससे एक चीज़ और आपकी पता चल जाती है कि अगर अब हमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ऐसे आ जाते हैं कि हमें फोकल लेंथ दिया हुआ होता है, राइट, और हमें फोकल लेंथ दिया और हमें ये पता रहता है कि हमारी ये वाला फोकल लेंथ है, तो हमें बताइए कि हमें एनलार्ज इमेज बनाने के लिए अपने जो भी हमारा इमेज होगा वो कहाँ फॉर्म होगा, या फिर ऐसे दे देते हैं कि हमारे पास में वर्चुअल जो कॉन्वेक्स लेंस है वो वर्चुअल और क्या बना रहा है, एनलार्ज इमेज बना रहा है, तो आप क्या करोगे, कहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट लाई करना चाहिए, तो सिंपली यहाँ से आप फोकल लेंथ से उसको डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, आपके ओ और F आपकी फोकल लेंथ हो गई, तो कहाँ है, एनलार्ज इमेज बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, तो डेफिनेटली लेंस कॉन्वेक्स हुआ, ठीक है। एनलार्ज और वर्चुअल इमेज के लिए हमें जो ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा वो कितना रखना पड़ेगा, उसकी फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, कि अगर हमारी जो फोकल लेंथ है यहाँ पर, लेट ये जो ओ एफ, अगर हमें कहते हैं कि ओ एफ इक्वल टू हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इट मीन्स हमें जो ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा वो कहाँ, एक आपको एनलार्ज और इरेक्ट वर्चुअल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ लाई करना पड़ेगा, लेस देन फोकल लेंथ, ठीक है, उस लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उससे कम डिस्टेंस पर हमको अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको रखना पड़ेगा, ओके। अब हम सेकंड पोजीशन की तरफ मूव करते हैं, ये हो गया है, सेकंड के लिए चलते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होगा, आपके
फोकस पर रखा हुआ होगा। और अगर मिरर याद है आपको तो फिर यहाँ पर ये लेंस को भी आराम से बना सकते हैं। सेम सिचुएशंस होंगी, सेम फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन की जो पोजीशंस होगी वो भी सेम ही होगी। तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं लेंस, ठीक है। जब कब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एट आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए, एट आपके फोकस पर होगा, ठीक है। बनाते हैं इसके लिए, ये हो गया आपका, ठीक है, ये लेंस, ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस एक्सिस, सॉरी, ठीक है। ये आपका डायमीटर हमने यहाँ पे बना दिया है, अपर्चर भी बोल सकते हैं इसको, सी ओ आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, अब हमको जो ऑब्जेक्ट रखना है वो कहाँ पर रखना है, फोकस पर रखना है, ठीक है। यहाँ ये एफ, हियर इज अ 2F, राइट, फोकस पर हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा, वही सेम हमने क्या करना है, टू रेज लेनी है, टॉप से इसके निकाला, ये निकाला, ठीक है। और हियर इज द एफ, 2F, ये एफ डैश, ये 2F डैश, राइट। तो ये जैसा कि डी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी और यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी और कहाँ से जाएगी, आपके फोकस से पास हो जाएगी, राइट। यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं, ये राइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे और देखो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जिंग राइट रेज क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्या हो जाएगी ये आपके यहाँ पर, ये ए एंड ये बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दो लाइट रेज ली हमने, एक ए डी ले लिया है, एक ए सी ले लिया है, जो कि आपकी कहाँ जा रही है, आ, 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 ये जा रही है आपकी ई, और कुछ भी लिख देते हैं और नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ से ये ए डी है, ए डी आपकी क्या हुई, इस पॉइंट पर स्ट्राइक हुई, डी पॉइंट पर आपकी रेज जो थी, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, रूल के अकॉर्डिंग फोकस से पास होगी, राइट, फोकस से पास हो गई। ये आपकी कहाँ जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक हुई है तो स्ट्रेट पास हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो रही, यहाँ पर ये लाइट है, इस तरीके से क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। तो कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएगी, ये जब इनको आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये जाकर आपके क्या हो जाएगी, एट इन्फिनिटी पर जाकर आपकी मीट करेंगे, ठीक है। तो ये इमेज इससे क्या हो रही है आपकी, किस तरीके की बनती है, अगर हम बोलते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज आपकी कैसी होती है, क्योंकि ये क्या जा रही है, फ्रंट ऑफ द, मतलब एक तरीके से बोले राइट हैंड साइड जा रही है आपके लेंस के, राइट हैंड साइड बनेगी। तो इमेज कैसी हो जाएगी आपकी, फर्स्ट पोजीशन जो इसकी नेचर होगी वो आपकी क्या होगी, रियल होगी, और रियल के साथ हमने आपको बताया था इन्वर्टेड, ओके। सेकंड, अगर साइज़ की बात करते हैं तो आपका इसमें जो साइज़ होगा, जो इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा, वो हाईली एनलार्ज होगा, बहुत ज़्यादा बड़ी आपकी जो है वो इमेज फॉर्म होगी। एंड थर्ड वन आपकी क्या हो जाएगी, आपकी आपकी नेचर बता दी गई है, आपका साइज बता दिया गया, पोजीशन आपकी एट इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गए हैं इस तरीके से, आपकी ये सेकंड पोजीशन हुई है। थर्ड पोजीशन के लिए चलते हैं, हमारी जो थर्ड पोजीशन है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो। अब देखो, हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को लेंस से इंक्रीज करते चले जाएंगे, पहले हमारा सी और एफ के बीच में था, अब हमारा एफ पर हो गया, अब हम जो लेंगे अब 2F, F और 2F के बीच में लेते हैं, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिखो, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन, ठीक है, लाई बिटवीन, ठीक है, कहाँ पर होगा आपके, F और F एंड 2F के बीच में, ठीक है, लाई बिटवीन F एंड 2F। चलिए बनाते हैं लेंस यहाँ पर, सॉरी बनाते हैं, आइए ये, ठीक है। नाउ मेक प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, अपर्चर, ओ ठीक है, कहाँ रखना है वो ऑब्जेक्ट आपको, एफ और 2F, ये तो F डैश एंड 2F डैश, बट हियर, राइट, ऑब्जेक्ट है, टू रेज लिया हमने, फर्स्ट वन दिस, डी पॉइंट पर स्ट्राइक हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर
रिफ्रैक्शन वही लो अपने यूज करने हैं हम लोगों को यहाँ पर। यहाँ पर हो गए 2F, ठीक है। अब यहाँ से फोकस से पास कीजिए उसको, ये हो गया आपका डी पॉइंट से स्ट्राइक होगा और फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरी आपको क्या लेनी है, सेंटर ऑफ कर्व से ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं डायरेक्ट, ये हो गया है और ये देखिए ये जाकर यहाँ पर मीट करेंगे आपकी लाइट रे। हियर इज ए बी, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई इसकी राइट। तो ये यहाँ पर क्या कर रही है, मीट कर रही है। अब यहीं पर आपका हो जाएगा ये ए, ये जहाँ पर मीट करेगी यानी आपका जो टॉप वाला पार्ट है ए, उसका इमेज फॉर्म हो जाएगा ए डैश। इसको कंप्लीट करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया आपका बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कैसा आपका इमेज बन रहा है, यहाँ पर जब आपका कहाँ रखा हुआ है, एफ और टू एफ के बीच में रखा हुआ है आपका, एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में रखा हुआ है, तो आपका जो इमेज बन रहा है वो बियॉन्ड टू एफ बन रहा है, ठीक है। ओरिजिनली मीट कर रही हैं आपकी लाइट रेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर बात करते हैं इसी तरीके से, यहाँ पर आपकी जो पोजिशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी इमेज जहाँ बनेगी वो बियॉन्ड टू एफ बन रही है, ठीक है, बियॉन्ड टू एफ बन रही है। कैसी है आपकी जो नेचर है वो आपकी क्या है, रियल है, ठीक है, और इन्वर्टेड है राइट। और लास्ट वन साइज की बात करें तो इनलार्ज है, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्म हो रहा है आपका, ओके। तो ये दो सिचुएशन आपकी बताई है हमने, जब आपके ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एक फोकस पर हो, एंड थर्ड वन आपका जब ऑब्जेक्ट आपका लाई कर रहा हो एफ ओ टू एफ के बीच में। नेक्स्ट सिचुएशंस लेते हैं आपकी, लेग्स पोजीशन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन के लिए आपका कहाँ होगा, जो नेक्स्ट पोजीशन होगा जो फोर्थ वन है वो बनाते हैं। फोर्थ वन, अब हमने क्या कहा था कि हम जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस अब लेंस से इंक्रीज करते जा रहे हैं। पहले कहाँ था, आपके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, फिर फोकस पर हुआ, फिर फोकस और मतलब एफ और टू एफ के बीच में हुआ, अब हम लेते हैं एट टू एफ डैश, टू एफ कहीं पर भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, दो फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पर, इस थोड़ा सा इधर देते हैं ये लेंस, ठीक है। अब हम मेकिंग हियर प्रिंसिपल एक्सेस, ओके, डायमीटर सी राइट आउट, ठीक है। हियर इज द एफ, हियर इज द टू एफ, एफ टू एफ, ओके। कहाँ रखना था वो ऑब्जेक्ट, एग्जैक्ट हमको रखना था टू एफ पर राइट। नाउ मेक, ओके, डी पॉइंट ऑल्सो सेम 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 फोकस से पास होगा, ठीक है, ये फोकस से गया डायरेक्शन, ठीक है, ए बी डी पॉइंट पर स्ट्राइक हुआ राइट। सेकेंड वन कहाँ से लेना है आपको, आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास कीजिए, ये पास हुआ और देखिए कहाँ पर मीट करेगी आपकी, ये मीट कर गई है, ठीक है। थोड़ा सा सीधा बनाने की कोशिश करते हैं और ये हो गई आपकी, ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर ये मीट करे, यहीं पर आपका क्या बन जाएगा, ये बनाए, तो यहाँ पर ये इमेज बन गया है इस तरीके से, ठीक है। ये इमेज बना आपका किसका, ए का, ये ए डैश हो गया है राइट। इसको कंप्लीट कीजिए और ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ये हो जाएगी आपकी बी डैश, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका देखो जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट 2F डैश पर है या 2F पर है, तो इमेज आपका कहाँ फॉर्म होगा, 2F पर ही फॉर्म होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इमेज पोजीशन जो आती है यहाँ पर आपका बनेगा एट 2F, ठीक है। फिर आपकी अगर नेचर की बात करते हैं तो क्या हो रही है, रियल है आपकी इमेज और कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। और आपका कैसा है, रियल इन्वर्टेड, और ये एक पोजीशन होगी आपकी जहाँ पर आपका लेंस जो होगा वो सेम साइज़ का इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्ट और आपके इमेज का जो साइज़ होगा वो बिल्कुल सेम होगा, राइट। ये है, अब फोर्थ वन सिचुएशन पर चलते हैं। फोर्थ वन सिचुएशन आपकी क्या थी, बियॉन्ड 2F रखते हैं अब, ठीक है। अब रखते हैं हम बियॉन्ड 2F, इंक्रीज होता जा रहा है, देखिए आपका यहाँ पर लेंस बनाइए, ठीक है, ये हो गया आपका लेंस प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ओके। अब हमको कहाँ, यही अपना डायमीटर सी, हियर इज द एफ डैश, एफ 2F, ठीक है, एंड हियर आर 2F डैश, कहाँ पर रखनी है अब हमको, ये थोड़ा इरेज कर देती हूँ मैं ये वाली, ठीक है। कहाँ पर रखनी है हमें इमेज, बियॉन्ड 2F, तो थोड़ा सा हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि हमें बियॉन्ड 2F रखना है, राइट। तो यहाँ पर ये इमेज रखा, वो ऑब्जेक्ट रखा आपने, दिस वन ए एंड बी, राइट रेज लीजिए वही सेम, दो आपका क्या होगा, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि आपके कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ये आपकी डायरेक्शन है लाइट रेज की, ये डी पॉइंट पर स्ट्राइक करी और इस डायरेक्शन में चला गया, ये आपका लेना है। नेक्स्ट वन आपका पास कीजिए ऑप्टिकल सेंटर से, और कहाँ पर ये, एक मिनट, ये आपकी मीट हो जाएगी, इस पोजीशन पर आपकी मीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो शुरू हो गया है आपका बनना, ये सेम यहाँ पर इमेज आपकी बनेगी इस तरीके से, कैसा, ये ए डैश और ये आपका बी डैश, लेकिन अब जो इमेज फॉर्म हो रहा है आपका वो कैसा हो रहा है, अब साइज जो होगा वो स्मॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं अब हमारा साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इन दिस कंडीशन जो हमारा क्या होगा, इमेज तो देखो रियली बननी है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की केवल एक पोजीशन होती है जहाँ पर वो वर्चुअल और रियल इरेक्ट इमेज बनाता है, बाकी सारी इमेजेस जो फॉर्मेशन होगी वो सब आपकी किस तरीके से होगी, आपकी रियल होंगी और इन्वर्टेड होगी। तो ये इमेज भी आपकी क्या हो गई है, रियल, एंड नेचर जो उसकी होगी रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। और साइज क्या होगा आपका, डिमिनिश हो जाएगा इसका साइज, और क्या होगी पोजीशन आपकी कहाँ होगी, बिटवीन एफ एंड 2F। देखो उल्टा है, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, एफ और 2F के बीच में रखा था, ठीक है, तो इमेज बना था बियॉन्ड 2F, अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ ले रहे हैं, बियॉन्ड 2F ले रहे हैं, तो आपका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, एफ और 2F के बीच में। लॉजिक्स हैं, अपने लॉजिक्स को बनाइए, और इनको लर्न करना कोई टिपिकल काम नहीं होगा। फोकस पर है तो इन्फिनिटी पर बनेगी, इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट तो फोकस पर बनेगी, और यहाँ पर क्या है, एफ पर है, वो एफ और 2F के बीच में है तो बियॉन्ड 2F बनेगी, और अगर बियॉन्ड 2F है तो एफ और 2F के बीच में बनेगी। एक तरीके से रिलेट हैं ये सारी की सारी चीज़ें, देखो इनको ईजीली आप अगर अपना थोड़ा सा माइंड को यूज़ करेंगे तो आपको आराम से इनकी पोजिशन याद हो जाएगी, किस तरीके का इमेज बनेगा ये भी याद हो जाएगी, ठीक है। केवल एक पोजिशन होती है आपकी ऑलमोस्ट जहाँ पर आपका इमेज अनलाज बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है कॉन्वेक्स लेंस में, बाकी सब पोजिशंस पर आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, बियॉन्ड 2F हो गया है, एफ हो गया है, ठीक है, एफ और 2F के बीच में हो गया है,
और आपके ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में हो गया है। अब लास्ट पर हम लेकर चल रहे हैं आपकी एट इन्फिनिटी, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, इन्फिनिटी पर हो। तो ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि इन्फिनिटी के लिए हम ऑब्जेक्ट को शो नहीं करते क्योंकि वो डिस्टेंस पर होता है, तो वहाँ से हम शो नहीं करते हैं एक एरो की फॉर्म में ऑब्जेक्ट को। राइट, हियर इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब हमें कहाँ रखना है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कहाँ से रेज आ रही है हमारे पास में, सिर्फ हम रेज लेंगे, वो रेज आ रही है हमारे पास में आपकी कहाँ से, इन्फिनिट पर ऑब्जेक्ट रखा है, वहाँ से आपकी रेज आ रही हैं। चलिए, तो जब हमें पता होता है कि रेज आती हैं तो बहुत डिस्टेंस से आपकी लाइट रेज आ रही हैं, तो जैसे जैसे वो आपके लेंस के पास पहुँचेंगी, वो डाइवर्जिंग रेज हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके लेंस के पास में पहुँचेंगी तो वो सारी रेज एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से ये लिया, ये आपकी लाइट रेज क्या हो गई, क्योंकि क्या कहा है, पैरेलल है। ठीक है, सॉरी, हियर इज द सी, चलिए, और ये भी क्या होगी आपकी, ये हो जाएगी। ठीक है, अरे कहाँ पर फॉर्म होगी आपकी, फोकस पर। ठीक है, फोकस पर बनेगी आपकी, ये एफ पर बनेगी, टू एफ हो गया है ये, राइट। कैसी होगी आपकी, ये देखिए, ये सॉरी इन्वर्टेड है क्योंकि बी डैश ए डैश, और देखो क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज साइज का है, बट जो इमेज बन रही है वो आपकी कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है। ठीक है, आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, फोकस पर हो रही है, और हाईली डिमिनिश। देखिए आप कैसी होगी, यहाँ पर रियल होगी आपकी, वो जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी इसकी। ठीक है, और कैसी होगी आपकी, हाईली डिमिनिश होगा यहाँ पर इसका जो साइज होगा, हाईली डिमिनिश। ठीक है, और कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, और कहाँ पर होगी, एट एफ, फोकस पर बनेगी। तो इन्फिनिटी से रेज आई थी, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था, वहाँ से लाइट रेज डाइवर्जिंग होती है, आपके लेंस के पास पहुँचेंगी तो पैरेलल हो जाएंगी वो लाइट रेज एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ पर ये इस पोजीशन से ऐसे जाएंगी, पैरेलल है तो ये एक डी पॉइंट पर स्ट्राइक हुई आपकी। ठीक है, यहाँ पर ए ए ए सी से रेज रहते हैं। ठीक है, ये डी पॉइंट पर स्ट्राइक होगी और आपकी इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ये भी आपकी डायरेक्ट जो पास हो रही है किससे जा रही है, आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, और ये दोनों की दोनों लाइट रेज कहाँ कर रही हैं, इस पोजीशन पर जाकर ये एक दूसरे से मीट करती हैं, और इमेज आपकी क्या बनेगी, इट मीन्स फोकस पर हो रही है, तो फोकस पर आपकी इमेज फॉर्म होगी, और कैसी होगी, हाईली डिमिनिश होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो ये आपको सिक्स पोजीशंस आपकी किसकी बताई गई हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बताई गई हैं। यहाँ पर इसकी फोकल लेंस है, बहुत सारे न्यूमेरिकल जो आएंगे रिलेट करके, मोस्टली आपके फोकल लेंस से रिलेटेड आएंगे, तो इन चीज़ों को बस आपको फोकल लेंस पे ध्यान रखना है कि हमारी जो पोजीशंस हैं, इमेजेस पोजीशन है या हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन होता है, अगर हम उसकी फोकल लेंथ से डबल पर रखते हैं, फोकल लेंथ के हाफ पर रखते हैं, फोकल लेंथ पर रखते हैं, तो हमारी जो इमेजेस के साइज होंगे वो कैसे होंगे, वो आपके उसके अकॉर्डिंग ही, जैसे हमें बोला गया कि कॉन्वेक्स लेंस से हमें जो मिलता है वो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश इमेज मिलती है। ठीक है, हायर कैसी बताइए आपको, रियल मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है, और आपको डिमिनिश इमेज मिलती है, या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मिलती है, कुछ भी आ सकता है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि कॉन्वेक्स कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, डिमिनिश इमेज हमें कहाँ पर मिल रही है, डिमिनिश इमेज हमें जो मिल रही है वो कहाँ पर मिल रही है, पोजीशंस को ध्यान में रखना है कि एक तो हमें कहाँ मिलती है,
इन्फिनिटी पर मिलती है, हमें डिमिनिश इमेज जो मिलती है वो इन्फिनिटी पर मिलती है। तो बस सिंपल आपको करना है कि वो क्या हो जाएगा, मोर देन फोकल लेंथ पर हम उसको, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो मोर देन उसकी जो फोकल लेंथ है वो यानी इन्फिनिटी पर होगा। तो वहाँ पर हमें इस पोजिशन पर जाकर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब हमें इमेज जो है वहाँ पर मिलेगी। या अगर बोलते हैं कि सेम साइज़ की मिल रही है, हमें बताना है कि फोकल लेंथ किसी लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 है, तो हम ऑब्जेक्ट को लेंस से कितने डिस्टेंस पर जो है हम उसको रखें, या हमारा जो ऑब्जेक्ट से लेंस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। अगर हमारा जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ 10 है और हमें जो इमेज मिल रही है वो सेम साइज़ की रियल और इन्वर्टेड बन रही है, तो यहाँ से बस आपको कैच करना है कि इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको बस माइंड में ये होना चाहिए कि रियल और इन्वर्टेड और सेम साइज़ केवल हमारी एक पोजीशन पर बनती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होगा, आपके 2F पर रखा होगा। 2F हमें पता ही होती है, 2F का मतलब हमें पता है कि आपको बताया था कि अगर ये आपका इस तरीके से बना हुआ होता है तो ठीक है, ये अगर F है यहाँ से आपके F का डिस्टेंस हमने कितना बताया था, अगर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है राइट, यहाँ से F तक का डिस्टेंस अगर उसने दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हमने आपको बताया था F और 2F के बीच का डिस्टेंस भी जो होगा वो सेम कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो अब आपको क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, फोकल लेंथ दी हुई है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ होगा, हमने कहा था सेम साइज़ कहाँ मिलती है, जब हम 2F पर रखते हैं, तो 2F का मतलब कितना होगा, 10 ये 10 ये, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो मिरर से कितना हो जाएगा, 10 + 10 = 20 सेंटीमीटर, बिकॉज वी नो दैट ये कितना होता है कि 2F = क्या होता है, 2F = 2 × जो भी आपकी यहाँ पे बोले OF का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, 2 × OF, फोकल लेंथ का 2F हमारी फोकल लेंथ का डबल होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में मोस्टली आते हैं, तो बस फोकल लेंथ के बेस पर भी आप इनको बस ध्यान रखना है, आप उनको फोकल लेंथ के बेस पर आप उनका आंसर दे सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि हमारी इमेज फॉर्मेशन किस पोजीशन पर, हमारी इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट, ये सब चीज़ें बस ये ध्यान रखना है कि इमेज किस तरीके का फॉर्म हो रहा है, और वो क्वेश्चन में गिवन होगा उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, यू कैन फाइंड योर डिस्टेंस बिटवीन योर ऑब्जेक्ट एंड लेंस। तो आज के लिए मैंने कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेजेस फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट किया है, अब कॉनकेव लेंस के लिए अपना नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।